नमस्कार, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा छठवीं विषय संस्कृत चतुर्था पाठक, जिसका शीर्षक है विद्यालय। कितनी अच्छी बात है, पाठ का नाम विद्यालय। पठन पाठन का जो कार्य होता है वो भी विद्यालय में होता है, और ये पाठ आपस में वार्तालाप, विद्यालय में होने वाली गतिविधियाँ, विद्यालय में और क्या क्या या किस किस प्रकार या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस किस की उपयोगिता अधिकतर होती है, वो सब चीज़ों का वर्णन इस पाठ में मिलेगा। तो आइए चलते हैं। आज हम कक्षा छठवीं के चतुर्था पाठक विद्यालय पर चर्चा करते हैं। जो शब्द है विद्यालय, छोटे बच्चों के हिसाब से है, इसलिए मैं बताऊं, ये विद्यालय जो शब्द है, यदि हम इसका संधि विक्रय करते हैं तो संधि विक्रय में ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विद्या धन आलय। विद्या का मतलब होता है विद्या अध्ययन करने वाला या विद्या अध्ययन करना। आलय मतलब होता है घर या मंदिर, ठीक है, मतलब विद्या अध्ययन करने का घर या विद्या अध्ययन करने का मंदिर, ठीक है। तो यह विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या धन आलय अर्थात विद्या अध्ययन करने का मंदिर, ठीक है। अब चलते हैं इस पाठ में। जो पाठ है इसमें बताया गया है कि जो विद्यालय में जहां से हमें पठन पाठन का काम शुरू करना है, तो आप देखते हैं कि शिक्षक की भूमिका होती है, इसके बाद इसको शिक्षिका बोलते हैं, इसके बाद शिक्षिका भी होती है, आपको पता होगा शिक्षक शिक्षिका, ठीक है, और छात्र छात्रा, ठीक है, छात्र और होता है इसके बाद छात्रा, ठीक है, शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्रा। और ये जो विद्यालय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो सब जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो है अभिभावक, पेरेंट्स जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्रा इन सब का कितना अधिक महत्व है। तो देखते हैं, चलते हैं। पहला शब्द है ऐसा विद्यालय, ऐसा ऐसा माने यह विद्यालय, मतलब विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्रा शिक्षक शिक्षिका च सन्ति, ध्यान दीजिए, अत्र मतलब यहाँ, शिक्षका शिक्षिका च सन्ति, अत्र माने यहाँ, छात्रा मतलब छात्र, बहुत से छात्र, शिक्षिका मतलब शिक्षक, शिक्षिका मतलब शिक्षिका, अध्यापक और अध्यापिका, संति माने हैं। अस्ति, इसका आपको एक चीज और बता दें, एक शब्द होता है अस्ति, अस्ति माने होता है, ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए, एक वचन, यदि एक वचन के लिए अस्ति का प्रयोग करते हैं और एक से यदि अधिक है तो उसके लिए संति लिखते हैं, ठीक है। संति माने भी होता है, हैं, बिंदी का अंतर है, ध्यान दीजिए, अस्ति माने है, संति माने हैं, ये अपना जो शब्द है ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए, बहुवचन के लिए, ठीक है। तो जो विद्यालय में जो शब्द आएगा टोटल बहुवचन का है इसमें, कि बहुत से छात्र होते हैं, बहुत से शिक्षक होते हैं, बहुत से शिक्षिकाएं होती हैं, और इसमें जो छात्र छात्राओं का गठन होता है वो भी अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो पहले शुरू के तीन लाइन को फिर अर्थ हम देखते हैं, ऐसा विद्यालय, ऐसा माने यह विद्यालय, मतलब विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्रा शिक्षका शिक्षिका च सन्ति, यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, ठीक है। अब चलते हैं
दूसरा चित्र उसमें बना हुआ है, बच्चे विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष होता है, कंप्यूटर को हम संस्कृत में संगणक बोलते हैं, संगणक, कंप्यूटर को संस्कृत में बोलते हैं संगणक, ठीक है। और यंत्र है, कंप्यूटर यंत्र है एक तरह का, तो उसको हम बोल सकते हैं संगणक यंत्र, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, ऐसा मतलब यह, संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर का प्रयोगशाला मीन्स कक्ष, प्रयोग करने का कक्ष, अस्ति माने है यह, ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर कक्ष का प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये बहुवचन है, एतानि ये सभी कंप्यूटर संगणक यंत्राणि कंप्यूटर के यंत्र हैं। सीधी सी बात है कि यह है कंप्यूटर का कक्ष है और ये सभी कंप्यूटर के यंत्र हैं, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में और आप डायग्राम में भी देखेंगे कि इसमें विद्यालय का के अंदर उद्यान होता है, बगीचा होता है, जहां बच्चे भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, तो उसके से संबंधित है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, एतत् माने यह, अस्माकं माने हमारे, विद्यालयस्य माने विद्यालय का, उद्यानम् माने बगीचा, अस्ति माने है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने मीन्स बगीचे में, पुष्पाणि मतलब पुष्प, सन्ति माने हैं, बगीचे में बहुत से पुष्प हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम् मतलब हम सब, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ माने विद्यालय में, हम सब यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः पढ़ते हैं, च माने और, तो हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं, क्लियर। तो शुरू के जो तीन डायग्राम थे उन तीनों में से आप एक बार फिर से मैं सबका अर्थ बताना चाहूंगा, गौर से आप बुक के साथ साथ उसको मिलाएंगे। ऐसा विद्यालय, यह विद्यालय है, अत्र छात्रा शिक्षिका शिक्षिका च सन्ति, यहाँ सभी छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर कक्ष का प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सभी कंप्यूटर के यंत्र हैं। अब आगे चलेंगे तो तीसरे पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्यालय का के अंदर जो आपका उद्यान है, बगीचा है, उससे संबंधित है। तो एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में बहुत से पुष्प हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात आती है वार्तालाप की, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है, वार्तालाप जब आपस में दो लोगों से बात करते हैं तो वो कैसी बात होती है, उससे संबंधित है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक छात्र और एक छात्रा है, जो पहला छात्र है उस छात्र का नाम है प्रणव, और जिससे वह वार्तालाप करने जा रहा है उसका नाम है ऋचा। पाठ में लिखा हुआ है प्रणव, और जो जिससे वार्तालाप करेगा उसका नाम है ऋचा, ठीक है। आपस में दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, जब आप भी बात करेंगे तो यहाँ आपको हेल्प मिलेगी कैसे संस्कृत में हम बात करते हैं, प्रारंभ करना है तो कैसे करना है, ये हमें अवगत कराता है। तो देखिए, ऋचा कहती है तौ नाम किम, तौ माने तुम्हारा, नाम मतलब नाम, की मतलब क्या, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव बताता है मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। फिर उसने उससे ही पूछेगा तौ नाम किम, मेरा नाम प्रणव है और तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा बताती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। इसके बाद पूछती है तुम पुत्र पठसी, तुम मतलब तुम, पुत्र माने कहाँ, पठसी माने पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो।
तो फिर प्रणाम प्रणाम बताता है, क्या बोलता है, अहम अत्र यो पठामि, अहम माने मैं, अत्र मतलब यहाँ, यो माने ही, पठामि माने पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ, यही मतलब जहाँ दोनों आपस में मिले हैं, जिस विद्यालय में दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो भी बता रहा है कि मैं यहीं पढ़ता हूँ, अर्थात मैं इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। तब ऋचा कहती है अहम अपि अत्र यो पठामि, अहम अपि, अहम मतलब मैं, अपि माने भी, मैं भी अत्र यो पठामि, यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्र स्व, इदानीम मतलब अब से, इदानीम माने अब से, आवाम माने हम दोनों, मित्र मतलब मित्र, स्व मतलब हैं, अब से हम दोनों मित्र हैं, मतलब आज से हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोस्त हैं। क्लियर, यहां से परिचय हो गया। इस परिचय को आपस वार्तालाप के माध्यम से आप भी अपना नाम और अपने दोस्त का नाम सेट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, शब्द कुछ वही होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले में। यहाँ तो आपस में दोस्ती हो गई, दो फ्रेंड आपस में मिल गए, अब चलते हैं तो शिक्षक और छात्रों के बीच में जो वार्तालाप होती है उसको भी हम सुन लेते हैं। तो शिक्षक और छात्र के बीच में जो वार्तालाप हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है, तो शिक्षिका कहती है छात्रा यूयम किम कुरुत, छात्रा हे छात्रो, यूयम मतलब तुम सब, किम मतलब क्या, कुरुत माने करते हो, हे छात्रो तुम सब क्या कर रहे हो या क्या करते हो। तो छात्रा कहते हैं आचार्य वयम गच्छामः, आचार्य शिक्षिका या आचार्य महोदय हम सब जा रहे हैं, गच्छामः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः बहुवचन का है, हम सब जा रहे हैं। तो शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो फिर छात्र कहते हैं वयम सभागारम गच्छामः, वयम माने हम सब, सभागार जिसको आप क्या बोल सकते हो, असेंबली कक्ष, जहां असेंबली होती है, प्रार्थना सभा, उस जगह को बोल सकते हो, या बड़े बड़े विद्यालयों में एक ऑडिटोरियम होता है जहां हर प्रकार की गतिविधि होती है, उस जगह को भी सभागार बोलते हैं। तो डिपेंड करता है विद्यालय के, विद्यालय परिसर में कि किस प्रकार की बैठक व्यवस्था है, जहां विद्यालय के सभी छात्र एक जगह एकत्रित हो सकें, एक जगह बैठ सकें और कॉमन बात वहां बोली जा सके, कही जा सके, बताई जा सके, दिखाई जा सके, ये सब उस सभागार का तात्पर्य होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वयम सभागारं गच्छामः, हम सब सभागार में जा रहे हैं, मीन्स या तो प्रार्थना सभा में जा रहे हैं या जहां सभा लगने का स्थान होता है उस जगह जा रहे हैं। सभागार का मतलब भी इसमें लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, सभागार ही लिखा हुआ है, जहां सभी लोग एकत्र होकर के अपनी बात को कहते हैं। ठीक है, तो छात्रा शिक्षिका कहती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकं मतलब तुम सबकी, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें, कुत्र मतलब कहां, अस्ति माने हैं, तुम सबकी पुस्तकें कहां हैं। तो छात्र कहते हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम सबकी पुस्तकें, हम सबकी किताबें यहां हैं, यहां मतलब एक बैग रखे हुए तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि हम सबकी किताबें यहां हैं। तब शिक्षक आते हैं, शिक्षक कहते हैं छात्रो युवाम किं कुरुथा, छात्रो तुम सब क्या कर रहे हो। तो छात्र कहते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, यहाँ दो छात्रों के बीच में बात हो रही है, दो छात्र आपस में थे, उनसे शिक्षक पूछते हैं कि छात्रो युवाम किं कुरुत, तुम सब क्या करते हो। तो छात्र कहते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, हम दोनों श्लोक गाते हैं। तब शिक्षक कहते हैं शोभनम, शोभनम माने ठीक है, किम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिखोगे। तब दोनों छात्र कहते हैं आवाम लिखावा पठावा गायावा चित्राणि अभी रचयावा, कहते हैं कि गुरुवर आचार्यवर हम दोनों इस श्लोक को लिखेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे और चित्र भी बनाएंगे। मतलब जितनी एक्टिविटी होती है उन्होंने सब बता दिया कि हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे और चित्र भी बनाएंगे। तो जो उनके शिक्षक थे
बहुत खुश होते हैं और कहते हैं बहुशोभनम। बहुशोभनम इस बहुत अच्छा, शोभना माने होता है अच्छा, बहुशोभनम माने बहुत अच्छा। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये शोभनम शब्द लिखा, शोभनम, शोभनम माने होता है अच्छा, और बहु लगा देंगे तो बहुत अच्छा, तो बहुशोभनम इस बहुत अच्छा। शिक्षक उनसे प्रसन्न हो जाते हैं कि एक चीज इन्होंने नहीं बताया, एक बात नहीं बताया कि केवल पढ़ेंगे कि गाएंगे कि लिखेंगे, इन्होंने एक साथ बता दिया कि हम इसे पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, गाएंगे भी और उससे संबंधित चित्र भी बनाएंगे। तो शिक्षक खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा। तो ये आपका जो चैप्टर 4 हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें अपने शिक्षक से किस प्रकार का वार्तालाप रखना है, हमें अपने मित्रों से किस प्रकार का वार्तालाप रखना है, विद्यालय प्रांगण में पहुंचने के बाद हमारी क्या दायित्व हैं, उन दायित्वों का हमें पूर्ण रूपेण सही ढंग से पालन करना है। ये पाठ हमें इसकी शिक्षा देता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका पूर्ण रूपेण परिपालन करेंगे। धन्यवाद।